पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। पीस ओके स्टूडेंट्स, मरते वक्त मुंह में क्या डालते हैं? सर, बिरला सीमेंट। सर, बिरला सीमेंट? ऐसा क्यों? इसमें जान है सर। पतंग कितना भी ऊंचा उड़ता रहे लेकिन उसका रस्सी हमारे हाथ में होता है, इसका कोई बेस्ट एग्जांपल दे सकता है? सर, लड़की कितनी भी दूर रहे लेकिन उससे कांटेक्ट बनाने वाला फोन नंबर हमारे पास नहीं है। सर, काम करने वाला मैसेज कितना भी दूर जाए फोन हमारे हाथ में रहता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द क्लास। शेक्सपियर इज द बेस्ट टू बी और नॉट टू बी। हे थर्ड बेंच, क्या कर रही हो तुम? स्टैंड अप, टेल मी व्हाट डिड आई से? बी नॉट टू बी। टू बी और नॉट टू बी? बी नॉट टू बी। टू बी और नॉट टू बी? बी 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 बी। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हो तुम लोग। डियर स्टूडेंट, आइंस्टाइन कौन थे? पता नहीं सर। गधे, पढ़ाई पर ध्यान दो। सर, आप सतीश को जानते हो क्या? नहीं जानता। सर, आप अपना ध्यान अपनी बेटी पे दीजिए, फिर आपको सब पता चल जाएगा। क्या हुआ चंद्रा, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा पहना हुआ लॉकेट इतना अट्रैक्टिव है क्या? नो मैम, आपके विमान का पार्किंग स्पेस मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। मैंने तुम्हें ऐसे हग किया तो तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम बहुत उतावले हो गए हो। मतलब? आगे स्टूडेंट बैठे हैं, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? तुझे इसी टाइम पर चिप्स खाना है क्या? दोस्त, 12 बजने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा दोस्त, अभी खाकर खत्म कर दे। क्या नसीब है यार मेरा। अबे मुझे बताए बिना तू फिर कभी दूध लाने गया ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। ए, उसके सर पर तुम क्यों मार रहे हो? ऐसा क्या कर दिया उसने? इसकी कहानी सुनेगा तू? अरे छोड़ना बेचारे को। ओ बेचारा, और ये साइकिल गैंग में ये विकेट और बॉल को छीनकर भागता है। आज के दिन का भविष्य शादी भाग्य शिरा भाग्य बोलकर सिर्फ भाग्य ही मिलता है यार। अरे यार, इन पॉलिटिशियन के ऊपर हम लोग भरोसा ही नहीं कर सकते। ऐसा क्या हुआ यार? पॉलिटिशियन से जाकर कहो कि सर, आपकी बीवी को लड़का पैदा हुआ है, तो वो ऐसा कहेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें विरोधी पक्ष का हाथ है, ऐसा बोलकर डाउट ही करते रहते हैं। तू कुछ भी बोल, ये विमल पार्टी में रहने वाली जो नीति है ना, उसके पक्ष में कोई नहीं है। इन सब बातों में मैं बहुत पीछे हूँ यार। आज के दिन का राशि भविष्य काम में आ सकती है। मित्र से पुत्र का लाभ है। ये स्वामी जी को लगता है करने के लिए कोई और काम नहीं है, ऐसे सब कुछ लिखकर काम खराब कर देते हैं। अबे सुन, सिनेमा के बारे में कुछ बताना। अरे यहां देख, दर्शन को सुधार देंगे ऐसा लिखा है। ये शहर ऐसे ही हीरो नहीं बना है मेरे दोस्त, इसे फैंस लोगों ने बनाया है। निकाल बे, हमारा बॉस कल थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे, दर्शन भाई नंबर वन हैं। इसीलिए तो फिर फैंस उन्हें प्यार और सम्मान से बिग बॉस कहकर बुलाते हैं।
अबे ये पेपर बहुत बेकार है। अपना बनाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं। हाय। हे टेंपल, तुम यहां पर? ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ कॉलेज में न्यू एडमिशन। अच्छा हो गया क्या? मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। बोलो, मैं कर दूंगा। यहाँ एमए का क्लासरूम कहाँ है दिखा देंगे क्या मुझे? बस इतना ही ना, चलो मेरे साथ। देखो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, बुरा मत मानना ठीक है? पूछो। तुम किसी सौंदर्य साबुन से नहा कर आई लगती हो, अभी तक किसी से कमिट नहीं हुई क्या? लगता है तुम्हें बताना पसंद नहीं है। यही है देखो एमबीए की क्लास। थैंक यू। मैंने थैंक्स कह दिया ना, फिर मेरे पीछे क्यों आ रहे हो तुम? हेलो, मैं भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। व्हाट, तुम भी एमबीए में हो? लगता है मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। क्यों, क्या हुआ? हा? I'm really so happy today. MBA first day college. Awesome tha yaar. क्या फुल एक्साइटेड लग रही हो? कॉलेज का फर्स्ट डे था ना। फर्स्ट डे होने के बाद? फर्स्ट डे होने के बाद मुझे इस तरह खुश रहना होगा, और नहीं तो क्या करूं? अबे पागल, किसी एक लड़के से लव कर, कॉलेज के एंड तक इसी तरह खुश रह सकती है तू। लव? नो वे, आई हेट लव। कॉलेज खत्म करने के बाद मैं अरेंज मैरिज करने का सोच रही हूँ। ये लव वो मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ की लड़कियाँ ऐसी ही है, ये भारत की कॉमन प्रॉब्लम है। कॉलेज लाइफ कैसे एंजॉय करना है ये पता ही नहीं रहता। देख भाग्या, अरेंज मैरिज एक तरह की टेक्स्ट बुक की तरह होती है, उसमें जो रहता है वही पढ़ना पड़ता है। तुझे पसंद हो या ना हो, वही लव मैरिज समझ ले। तुझे जैसा पसंद है वैसा तू लिख सकती है। 3 महीने एंजॉय करके पूरी जिंदगी खुश रहेगी तू, ये समझ ले।
या फिर 3 महीने मेहनत करके लाइफ लॉन्ग एंजॉय करेगी, ये खुद डिसाइड कर। तू ही बताना मैं क्या करूँ। अरे पगली, इतनी देर तक मैंने तुझे समझाया, अभी भी पूछ रही है मैं क्या करूँ। तू कहना चाहती है एक लड़के से लव करना है, इतना ही ना? तो चल वो लड़का ढूंढते हैं। यस, मिल गया। अच्छा कौन है? देख ये तो 3 लड़के हैं। बताती हूँ। इसका नाम HP है, लड़का लोकल है लेकिन डैडी बिजनेसमैन है, लड़का सिनेमा का डायरेक्टर है। ये बहुत ही क्रिएटिव और स्वीट पर्सन है। अगर समझ मैंने इसे लव कर लिया तो इसकी लवर राधिका पंडित की तरह, उपेंद्र की लवर प्रियंका की तरह, रियलिटी शोज में, इनॉग्रेशन में, वीकेंड विद रमेश में भी जा सकती हूँ। सेलिब्रिटी की वाइफ मतलब सेलिब्रिटी ही होता है ना यार। रियलिटी शो में मैं पक्का चलूंगी ना? इसमें कोई शक नहीं है, पक्का चलेगी। इसका नाम परीक्षित है, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट फुलाकर, सेक्स, नो, सिक्स पैक बनाया हुआ लड़का है ये। मतलब ये लड़का बहुत ही फिट रहेगा ना, क्या बात है। जिम करने वाले लड़कों के साथ घूमूंगी ना तो फीलिंग कुछ और ही होगी यार। मोस्टली रश्मिका मंदाना, साई पल्लवी, इन लड़कियों के पास वो आइडिया नहीं होगा ना। इसका नाम महर्षि है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये महर्षि है, MBA स्टूडेंट है, हमारे कॉलेज में ही है, बेसिकली मंड्या का है। अरे रे रे, जाकर तो मंड्या के लड़के से ही लव करेगी। क्या हुआ, मंड्या के लड़के का मजाक उड़ा रही है तू? मंड्या के लड़के का दिल शक्कर से भी स्वीट होता है। मंड्या के लड़के से लव करने का मतलब पुण्य करने जैसा होता है। इन 3 लड़कों में से तू किसी एक को कैसे सेलेक्ट करेगी? देखते हैं। अरे इस बार के इलेक्शन में इंडिया भर में सिर्फ मंड्या की ही खबर चल रही है। मंड्या को तुम समझते क्या हो? मंड्या मंड्या है। क्या रे, तू भी मंड्या मंड्या बोलता है रे, हैं? जिसको पूछो कहता है मैं मंड्या, मैं मंड्या। ऐसा क्या है इस मंड्या में, हैं? अबे कमीनो, भाई बहन से बड़ा होना नहीं होता है, सिंगल सिंगल रह के बड़ा बन के दिखा। देख मेरी बात सुन, बैंगलोर में लोग ज्यादा हैं, बैंगलोर में नाक की नथनी ज्यादा है, मल्लाद में बारिश ज्यादा है, मैसूर में लड़कियां ज्यादा हैं, और मंड्या में सबसे ज्यादा नियत है बे, इसीलिए सब लोग मंड्या मंड्या बोलते रहते हैं। तुम सब सिंगल सिंगल रहकर बड़े हुए हो क्या? आथू, मुझे लगता है कि तुझे इस एरिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। लड़कियां लड़कों को धोखा देती हैं, बीबियां पतियों को धोखा देती हैं। आज तक मंड्या के भाई बहनों को मारकर आए हुए लोगों को आज तक ना कभी धोखा हुआ है और ना कभी होगा। मंड्या के भाई बहनों को मारकर जो यहाँ पर आए हुए हैं ना, वो अभी भी राजा बब्बर शेर की तरह घूमते हैं। इतना ही नहीं, तेरे जैसे बहुत सारे लोगों को बड़ा करके वे लोग तभी मास्टरपीस बने हैं बे। क्रेजी फेलो। पता नहीं क्यों क्लास में बोर हो रही हूँ, चलो आइसक्रीम पार्लर चलते हैं। सुबह सुबह ही जेब खाली करवाना चाहती हो क्या? चलो। मतलब? मैं अच्छा बैट्समैन हूँ लेकिन अभी तक किसी ने मौका नहीं दिया। अब तो मिल गया ना। हे, अभी तो मैं जमकर करूँगा। क्या? मौके का फायदा उठाऊंगा। महर्षि। हाँ? हम एक काम करते हैं। हे, ये तो क्या बोल रही है? मैंने सोचा था हिरनी ने शेर को गुफा के अंदर कैरम नहीं बल्कि क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया होगा। खेलते हैं क्या? हाँ? बॉल, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ।
जिस लड़की ने आज तक एक बुक नहीं खोली उसे तुम लाइब्रेरी दिखा रहे हो। अगर नसीब ही आकर हमारा दरवाजा खटखटाए तो उसे कौन कहेगा कि आगे बढ़ भाई। तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो किसी और से शादी करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे क्या लगेगा, मेरे जगह पर जो दूसरा खा रहा है लगना तो उसे चाहिए। सॉलिड एटीट्यूड, नाइस। अपने एक्स के बारे में बताओ। समाप्त हुए मैच के बारे में हम कभी कमेंट नहीं करते। बातें अच्छी करते हो, तुम्हारी फैमिली यहाँ नहीं है? यहाँ पर तो तुम्हारे साथ ही सबसे ज्यादा बातें कर रहा हूँ। ओके, तुम्हारे मम्मी डैडी? एक एक्सीडेंट में मैंने माँ बाप दोनों को ही खो दिया। सॉरी। Hey, it's okay, it's natural. सबके लाइफ में ये सब कुछ चलता ही रहता है, बस मैंने सबको कुछ जल्दी ही मिस कर दिया। यस, यू नो, हम कभी और मिलते हैं, सम अदर टाइम, सम अदर प्लेस। यू मीन बार बार मीट करना है क्या? ओके, श्योर। वैसा नहीं है, नॉट लाइक दैट। तुम एक नाइस पर्सन लगे, सो ओके ओके देन, बाय। तू भी ना यार, जाके ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी। अरे तुझे पता है क्या, ऐसे लड़के प्यार करने में बहुत ही रोमांटिक होते हैं। ओहो, पहले वो नाभि में किस करता है, फिर गले पर आता है, उसके बाद, तो समझ ही गई ना। इतने में तो हमारे यहाँ के लड़के हनीमून खत्म करके आ जाते हैं। आज तुम लड़कियों ने मिलकर बहुत सही काम किया। आज तो फुल मजा आ गया। अगर कभी भी गलती से मैं सीएम बन जाऊंगा ना। सीएम बन जाओगे तो क्या करोगे, इससे कम में नहीं होगा। बहुत महंगी हो तुम तो। इन सब चीजों पे जीएसटी लगाकर लीगल कर दूंगा। वैसे हाँ? अभी तुम एमबीए कर रहे हो ना, आगे किसी कंपनी में काम करोगे या फिर बिजनेस करोगे? क्या कंपनी? किसी कंपनी का एम्प्लॉय किसी टेस्ट मैच की तरह होता है, पूरा साल ग्राउंड क्लीन करके बैठेगा। वही ये बिजनेस करने वाले 2020 मैच की तरह है, साल में एक दो महीना ही काफी होता है, लाइफ सेटल हो जाता है। सो बिजनेस करूंगा मैं। गुड चॉइस। 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। 2 मिनट्स? प्रणीता, 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 आई लव यू यार, प्रणीता। पीछे क्यों आ रहे हो, लोग दिखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ तो हम दोनों लवर्स ही हैं, अगर लोग देख रहे हैं तो देखने दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरी लवर हूँ? नो चांस। ये ड्रेस, हाई हील्स, नेल पॉलिश कितने का है पता है क्या? वो सब छोड़ो, तुमने अपना चेहरा कभी देखा है क्या? डेली तो आईना देखता हूँ प्रणीता। कैसा है देखा है? तू ऐसा रहेगा ना, रास्ते पे झाड़ू मारने वाले भी तेरे पीछे नहीं आएगी। प्लीज रुक जा यार, प्रणीता, प्रणीता, प्लीज रुक जाना यार, एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। हे डूड, क्या कर रहा है यार तू? वो मेरी लवर है ब्रो, मेरे पास पैसा नहीं है, ये कहकर वो चप्पल की तरह फेंक कर जा रही है मुझे। ये लव है डूड, ये लव और लड़कियों के बारे में एक लॉजिक की बात बताता हूँ। एक लड़का एक लड़की को लेकर जाता है तो वो साइकिल चलाने वाले को देखती है, वहीं जब वो उसे साइकिल पर लेकर जाता है तो स्कूटर चलाने वाले को देखेगी, स्कूटर पर लेकर जाएगा तो कार पर जाने वाले को देखती है। ये सारी लड़कियाँ बिल्कुल ऐसे ही होती हैं। ये कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बन रही है ब्रो। हे, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? हे, नथिंग। स्मोक के बदले लॉलीपॉप, ये कर क्या रही हो? मेरे लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तुम्हारे लिए ऑरेंज फ्लेवर, खाओ ना अच्छा लगेगा। हे, रैंक, तू सच में रैंक स्टूडेंट ही है। मेरी ना एक छोटी सी इच्छा है। छोटा सा? क्या इच्छा है, क्या है? बुलेट बाइक पे बैठ के कॉलेज जाने का। हे, अरे इतना ही ना, चल बंदोबस्त कर देंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।
जब तू अकेली रहेगी और तेरा हाथ पकड़ अगर मैंने तकलीफ दिया तो तू क्या करेगी? कार चोरी करने आया हुआ चोर सिर्फ कार चोरी करके गया, ऐसा समझूंगी। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों का दिल पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कैसे कह सकते हो? देखो, शादी के पहले तुम रिस्पेक्ट करते हो, शादी होने के बाद सस्पेक्ट करते हो, और पति पत्नी बनने के बाद कुछ करते ही नहीं हो। मुझे ना कुछ समझ नहीं आया। ओहो, और तुम क्या कम हो? 100 साल के बुढ़े होने के बाद भी आउटगोइंग नहीं जा रहा है लेकिन मोबाइल का फुल रिचार्ज करके रखते हो। As simple as that. बात करने वाला ही महाशूर है। कल मैं एक फैक्ट्री पर गया था, तेरा ड्रेस देखने के बाद उस बोर्ड के ऊपर का मुझे एक कोट याद आया। ऐसा क्या था उस बोर्ड में? लंबे स्कर्ट पहनने वाली लड़कियां, लड़कों से हमेशा होशियार रहना। बात को नोट कर लो, मिनी स्कर्ट पहनकर काम करने वाली लड़कियां, लड़कों के सामने होशियार रहना, ऐसा लिखा था उसमें। छी, बदतमीज, तुम्हें हमेशा ऐसा ही दिखाई देता है ना? चलो अब क्लास में चलते हैं। क्लास में? क्या हुआ बेबी, तुम एक हफ्ते से क्लास नहीं आ रहे हो? बार बार एक ही जगह पर जाने से वहाँ हमें इज्जत नहीं मिलती, ऐसा हमारे बॉस ने कहा है। ओहो, तो ये तुम्हारा बॉस कौन है? ये शासक विजय का इकलौता बेटा है सर। ये नालायक अपने बाप की सारी संपत्ति बेच रहा है सर। सिर्फ आवारा गर्दी करते रहता है। नाम के लिए कॉलेज स्टूडेंट है लेकिन पब, रेस्टोरेंट, डेटिंग, जब देखो तब फ्रेंड्स के साथ घूमते रहता है। ये देखकर लगता है कि प्री प्लान्ड मर्डर किया गया है सर। अब तुम मुझसे झगड़ा क्यों कर रही हो, बताओगी? तुम्हारे पास थोड़ा भी टाइम सेंस नहीं है क्या? सॉरी, बोला ना, मैं जानबूझकर थोड़ी ऐसा कर रहा हूँ। नहीं, रहने दो, अब हम ब्रेकअप करेंगे और कुछ नहीं। पता नहीं क्यों ये लोग छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं। लड़कियों को मेकअप जितना इम्पोर्टेंट होता है, लड़कों को ब्रेकअप करना भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। लड़कियों को मेकअप करने के बाद कलर आता है, वही अगर लड़कों का ब्रेकअप हुआ तो उसकी कदर होती है। मेरे मेकअप करने के बाद मुझे देख के तुम्हें कैसा लग रहा है? फल से भरे हुए पेड़ को देखकर कैसा लगता है? कैसा लगता है? पेड़ पर ऐसे ऐसे करके चढ़कर फल को तोड़कर उसके टेस्ट को अनुभव लेने का मन करता है। मुझे ऐसे मत देखो ना। लेकिन क्यों? कोई और लड़का जब मुझे छूता है तो कुछ भी नहीं लगता, पर तुम मुझे ऐसे कुछ देखते हो तो मुझे कुछ होता है। देखो, तुम्हारी आंखें ना मैग्नेट की तरह है। लड़कियों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है ना। लड़कियों की लाइफ एक तरह से टिश्यू पेपर की तरह है, कोई पोंछता है, कोई फाड़ता है और कोई फेंक देता है। इस बात से हम डर के बैठ नहीं सकते ना। तो क्या करते हो? कार शोरूम में रेडी है लेकिन टेस्ट ड्राइवर रेडी नहीं है ना। क्या बात है, पूरे नॉटी स्टाइल में बात कर रही हो। हम ऐसे वैसे नहीं है, किसान के बेटे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसान का मन खेत खोदने का है तो धरती को भी फसल बढ़ाने का मन रहता है। क्या हुआ महर्षि? ठीक हो गया ना? हाँ, अब से मैं हॉस्पिटल ही नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम्हारे सांस में इतना ज्यादा मेडिसिन है तो हॉस्पिटल जाकर क्या फायदा? ए, नाटी। मुझे भी सिनेमा देखने का मन कर रहा है लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तुम ज्यादा ही इमेजिनेशन कर लेते हो। देखो सोना, हम एक प्रकार से कल्पना अभिलाषी हैं। जो चीज नहीं है ना, हम उसे बोल कर फील करते हैं। ब्रो, हमारे रिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है ब्रो, थोड़ी मदद कर दोगे प्लीज? मैं अभी खुद खाने के लाइन में खड़ा हूँ और तू फल काटने के लिए मदद कर ऐसा बोल रहा है? हम ही भगवान को घंटी बजा कर आए हैं कि हमें बचा लेगा, तू आकर हमारी मार क्यों रहा है?
ये सारी बातें तुमने कहाँ सीखी? हाँ, किस रास्ते के बच्चे के साथ खेलने गए थे? देखो बेबी, लड़के लोग कभी भी खेल में रहें या फिर बातों में रहें, फॉर्मल रहना चाहिए। अगर खराब फल किसी के घर के सामने रहेगा तो उसे कोई नहीं देखने वाला। बेबी, घर के सामने गिरा हुआ फल खाएंगे तो टेस्टी नहीं रहता, हाथ से तोड़कर खाने वाला फल मीठा रहता है। ठीक है, मुझे ट्यूशन के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बाय। नाइस हेयर स्टाइल बेबी, बहुत ट्रेंडी है ये। तुम्हारी हेयर स्टाइल की वजह से हमारे शहर की सारी लड़कियां तुम्हें प्रपोज करेंगी। होशियार रहना। प्यार में तो नोक झोक होते रहते हैं, ना हो प्यार तो जिंदगी जहन्नम हो जाती है। फिर और आगे क्या हुआ? मतलब क्या बताऊं? फिर हेलो, फिर उसके बाद आगे तुम बोलो ना। अबे सो जा बे, कब सोएगा तू साला, हमारा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या था बेबी? वो ऑनर ने एक जानवर पाल रखा है बेबी। ओके फिर और क्या? और क्या समाचार है? क्या समाचार है? अबे तेरे मुंह पर वो कुत्ता आकर मुते, चुपचाप सो जा। फिर तू, तेरे मुंह में मिट्टी डालूं, तेरा मुंह रुकने वाला नहीं है और ना ही उसके फोन का बैलेंस खत्म होने वाला है। तुम लोग लव कर रहे हो लेकिन हमारी जान क्यों खा रहे हो? सो जा बे, समझना मेरे भाई। फिर बोलो ना समाचार क्या है बेबी? आधा घंटा सो लेता हूँ ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, हमें अपने लाइफ में पूरी रात बात करनी है, ऐसी मैंने मन्नत मांगी है, तुम्हें फुल नाइट बात करनी होगी। क्या फुल नाइट? फिर क्या हुआ? और क्या? फिर तुम बताओ। फिर क्या, तुम बताओ ना। फिर क्या? फिर और क्या फिर और क्या समाचार है? फिर क्या? अबे रात भर क्या फिर बस यही करता जा रहा है। ए, बोरवेल के नीचे बाल्टी रखेगा तो पानी नहीं आएगा क्या? अबे कान बंद करके सो जा। बेबी तुम ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? बेबी यहाँ पर दो चींटियां हैं, बहुत काट रही हैं। DDT पाउडर डाल देना, सब चली जाएंगे। ठीक है बेबी, डाल दूंगा। और ओके बेबी, 6 बज गए हैं, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, शॉपिंग पे चलते हैं। क्या कल ना? बेबी पूरा नाइट सोया नहीं हूँ, कल चलते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, बिल्कुल 10 बजे मेरे क्लास के सामने मिलना, यू शुड बी रेडी। बाय। ठीक है बेबी, ओके बाय। हाय भैया। हाय दीदी। दीदी बोला तो जली ना। वैसे ही मेरी भी भैया बोलने पर जलती है। ए महर्षि, तेरी क्यूट स्टार आई है, बाहर आके देख। आ गया। आजा, तेरा पीछा तो छोड़ नहीं रही है, अब मेरे पीछे पड़ गई है, जल्दी आजा। क्या कहानी है इन लोगों की। मैं आ गया। लेट हो रहे हैं बेबी, जल्दी चलो ना। वो क्यूट स्टार, टाइम को तू पंक्चुअली फॉलो करती हो, सुपर है बेबी तू। हम्म,
भगवान की कृपा हम पर बनी रहे यही है कामना। जो प्यार करते हैं उन्हें कोई अलग न कर देना। ओ मेरे जाने जा मुझे हमेशा यूं ही प्यार करना। फिर ना फिर मैंने फिर हमारे लव के बारे में सीधे घर पे बता दिया। वाह, उसके बाद क्या हुआ? मैंने धीरे से बोला था इसलिए किसी को सुनाई नहीं दिया, किसी ने रिएक्ट नहीं किया, मैं बच गई ना। जिस्म दो है जान एक है, दिल भी दो है एहसास एक है, जिंदगी दो है जीना साथ है, सपने दो है नजर एक है इस प्यार में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक कहाँ है देखो ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बुक छोड़ो, वर्ल्ड बेस्ट पॉपुलेशन में इंडिया टॉप 2 पर क्यों है पता है क्या तुम्हें? पता नहीं क्यों। बिकॉज वी आर नेग्लिजेंसी पीपल। महर्षि, वाह आखिरकार तू इतनी जल्दी आ ही गई। दुनिया के सबसे बड़े दो झूठ क्या है पता है क्या? मुझे नहीं पता। लड़कियों को ये कहना कि 2 मिनट में रेडी होकर नीचे आ जाओ, और लड़कों का ये कहना कि बस 2 मिनट में मैं घर आता हूँ, ये दुनिया के सबसे बड़े दो झूठ हैं। बेबी हम इंटरनल्स में हैं और इतना सारा बंक मार चुके हैं। लव बर्ड्स कॉलेज में रहना चाहिए लेकिन एग्जाम में कभी नहीं रहना चाहिए। हाँ, उस पागल खुसट का लेक्चर कौन सुनेगा। आगे ना कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए, कॉलेज रहना चाहिए, लेसेंस नहीं रहनी चाहिए, और अगर लेसेंस हो भी तो एग्जाम नहीं होना चाहिए, ऐसे रूल्स बना देने चाहिए। तुम लो। लॉट कैन हैपन ओवर दी कप ऑफ कॉफी। मुझे एक डाउट है। पूछो। इस कॉलेज में कॉफी डे रहता है ना, इस कॉफी और उस कॉलेज में क्या संबंध है? कॉफी में शुगर रहता है। और कॉलेज में फिगर्स रहता है। बेबी हाँ प्लीज इतना क्यूट स्माइल मत किया करो। वो क्यों? ये चॉकलेट कॉफी पीकर बीच में ही अंगूर और खजूर खाने जैसा लगता है। फिर से देखो। वैसे तुम इतनी अच्छी हो ना, वैसे तुम लगा कर के आती हो? दरवाजा लगाकर? ओह पंच। तुम्हारे होंठ पर कुछ लगा है, उसे साफ कर लो। हो गया ना? अभी भी है। अब सौंदर्य को कितना भी पोछ लो लेकिन वो नहीं जाएगा। ठीक है सुनो ना, एक सेल्फी लेते हैं स्टेटस पे डालने के लिए। अच्छा तुम व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे हमारा स्टेटस चेक क्यों नहीं करते हो? देखो बेबी, फीलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप और फेसबुक चेक करना है, फेस टू फेस शेयर करना चाहिए। ओह वाह इम्प्रेसिंग क्यूटी। हाँ अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे नहीं अपनाया तो? अपना लेंगे। तुम इतना कॉन्फिडेंस से ये कैसे कह सकती हो? सोना भगवान के प्रसाद को कोई मना करता है क्या? MBA और MCA का लिमिटेड ऑफर्स दिए गए हैं मुझको, तुझको मैं, मिले ये अनलिमिटेड ऑफर्स यार। भाग्य अनलिमिटेड भाग्य अनलिमिटेड। हमारे राज्य में क्या चल रहा है? एक MLA को आप लोग सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो दूसरे काम काज कैसे संभालेंगे? सर वो क्या है कि साहब ने उसे अंदर बांध कर रखा है।
देखो तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं। ए, उठ, उठ, उठ बे, बोला ना उठ, चल उठ, उठ। कुछ भी करो लेकिन उस खूनी का जल्दी से पता लगाओ। सुनो, अगर तुमसे ये नहीं होता ना तो मैं होम मिनिस्टर से सीबीआई की मांग करूंगा सर। हे बोल बोल। हे, अरे बोलता क्यों नहीं है, बोलना। हे, सांस ही नहीं आ रहा क्या तुझे? सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब देख लूंगा। सर वो काम करने वाला लड़का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है सर। हे योगेश, मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है सर। जिस जगह पर झगड़ा हुआ था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है सर। कहाँ है वो सीसीटीवी फुटेज? मैंने आपको मेल किया है सर, वो देखिए सर। यही लड़का महर्षि है, एमबीए का स्टूडेंट है, इसी ने होटल में झगड़ा किया है सर। इस महर्षि नाम के लड़के को अरेस्ट करके एफआईआर डालो और पुलिस का ट्रीटमेंट दो इसको। ओके सर। अच्छा भाई ये बताओ, मैं सचमुच स्मार्ट हूं कि नहीं? सब लोग तो यही कहते हैं। दोस्त, कल जब तेरी बंदी पब में गई थी तो ड्रेस चेंज का वीडियो बनाकर पिंटू उसको ब्लैकमेल कर रहा है। वो भी है कहां पर? कैंपस के अंदर बैठकर रो रही है। बेबी, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कुछ भी नहीं हुआ, क्यों मैं फालतू की चीजों को कॉम्प्लिकेट करूं? कल पब में उस पिंटू ने क्या किया? कल पब में मैं और मेरी फ्रेंड ड्रेस चेंज कर रहे थे और उसने चोरी से हमारा वीडियो बना लिया। वो भी है कहां पर? पता नहीं, यहीं कहीं क्रिकेट खेलता होगा। छोड़ो मुझे, क्या कर रहा है? मार दूंगा साले को। हे कमीने साले, मैं तुझे जान से मार दूंगा। महर्षि, महर्षि प्लीज यार। नहीं यार, अगर एक फटका और देगा तो वो मर जाएगा। प्लीज महर्षि, कूल डाउन, कूल डाउन। हे, तेरे घर में माँ बहन तो होंगी ना, होने के बाद भी तू ऐसा बर्ताव कर रहा है? तेरी घर की सारी औरतें रास्ते पर आ जाएंगी साले। साला मेरे होते हुए मेरी गर्लफ्रेंड का वीडियो बनाता है, अगर मैं नहीं होता तो मेरी गर्लफ्रेंड का क्या होता? उड़ जा साले कमीने, और बोल कि तू अपनी भाभी की तरफ देखेगा भी नहीं। महर्षि छोड़ उसे। हे छोड़ो मुझे, मैं इसको अब नहीं मारूंगा। हे पिंटू, भाग गया मेरी जान है जान। तूने जो किया है ना वो बहुत बड़ी गलती है। चुपचाप वो मोबाइल मुझे दे दे। वो मोबाइल मुझे दे दे साले, और फिर से वो वीडियो कहीं अपलोड मत करना। अब कभी आंख उठा करके भी नहीं देखूंगा। हा
हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, लगा लगा लगा, क्या कर, नहीं 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 नहीं, लग जाएगी, अरे ये ले, ए ए ये ले, अच्छा तो लगा, आया ना मजा, ले ले, ए तू भी ले, दोस्त, तू अपने गर्लफ्रेंड के साथ होली नहीं खेलेगा क्या? हे उसे ये कलर फेस्टिवल और अंडा फेंकना पसंद नहीं है। अबे सुन बे, ये कॉलेज लाइफ में अगर एंजॉय नहीं किया तो मर जात का अपमान है। हाँ। हे वो वेजिटेरियन है यार, और ये सब फालतू का काम है, और बिना मतलब का काम क्यों करने का? ठीक है, तेरा मोबाइल कहाँ है? अरे सुन सुन, नहीं यार, हे क्या कर रहे? अबे रुकना, क्या कर रहा तू? अरे रुकना यार, रिंग गई क्या? हे क्या कर रहा? अरे बात करना, बात कर बेबी। हाँ। कहाँ हो? विजय के यहाँ। बेबी वो ना मेरी बाइक खराब हो गई है, कॉलेज का भी टाइम हो रहा है, मुझे पिक कर लोगी क्या? तुम कहाँ हो? बेबी यही स्पोर्ट्स क्लब के पास में हूँ। ओके, विदिन 10 मिनट्स आई विल बी देयर। ओके ओके बेबी, ओके बाय। अबे यार तू मुझसे ये क्या काम करवा रहा है? कुछ नहीं होगा, तू चुप रह, सरप्राइज गिफ्ट की तरह रहेगा। चल दोस्त चलते हैं, टाइम पे आ। ठीक है चल। तुम सब मिलकर मुझसे झूठ बोले ना, यू चीटर्स। चल चल भाग। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, कहो ना नहीं प्लीज, नहीं नहीं महर्षि प्लीज प्लीज, मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। नहीं महर्षि बहुत हो गया, मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। नहीं थू, मुझे सब पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना, प्लीज महर्षि, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तुम्हें पता है ना। मैं तेरे साथ होली मनाना चाहता था और तू मुझे थप्पड़ मार रही है। हाँ, एक लड़की से प्यार करना ही सब कुछ नहीं होता, उसके दुख को समझना ही प्यार होता है, समझे तुम। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैंने किसी लोफर से प्यार किया है। ये तो अच्छा ही हुआ, एक छोटे से बात के लिए तू ऐसा बर्ताव कर रही है। मैं छोकरा हूँ ना, तेरे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने से अच्छा है ब्रेकअप करके सिंगल ही रहूं अपने दोस्तों के साथ। ये लड़के और कुत्ते सब एक जैसे होते हैं, लव के लिए हाँ कहने तक पूछ हिलाते रहते हैं, जब लव में हाँ कह दिया तो काटते हैं, यही तुम्हारी औकात है। अपने प्लेट में बिरयानी होने पर भी दूसरे के प्लेट में उपमा देखकर मुंह से पानी निकालते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों के दुख के लिए प्रॉमिस करके वीकेंड पर शॉपिंग, मंथ पर रिचार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। मेकअप, फेस, आई लिव पेडिक्योर, और वो क्या कहते हैं ना, मैनिक्योर करने वाली लड़की को हमारा पैसा खर्च करके सुपर फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पार्क, रेस्टोरेंट, स्किन पार्लर, कॉफी शॉप, इन सब जगहों पर ले जाकर हमारे पर्स खाली कराने वाले हम खुद ही हैं। इतना सब कुछ होने के बाद 10 साल का लव रिलेशनशिप रहने के बावजूद बिना किसी कारण के ब्रेकअप करके चले जाते हो, क्यों पता है क्या? ये नहीं तो कोई और मिल जाएगा बोलकर। लेकिन हम उन लड़कों में से नहीं हैं, जिस लड़की को पसंद किया है ना उससे आखिरी दम तक हाथ में हाथ रखकर संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम लोग आधे रास्ते पर आकर हमें 3 बंदरों जैसा बनाकर चले जाते हो, तभी हम लोग दाढ़ी बढ़ाकर, दारू पीकर, सैड सॉन्ग सुनकर, ये पापी दुनिया है खराब लोगों का, अगर मेरी आंखों में जरा सा भी आंसू आया ना तो मेरे दोस्त आकर कहेंगे ए दोस्त जाने देना, छोड़ उसे, ये नहीं तो कोई और मिल जाएगी, इस तरह की एडवाइस देंगे।
इतना सब कुछ होने के बाद भी, एक रेंज में आने के बाद, हम जिसे पसंद करते हैं वो जिंदगी में मिले बिना, और जो जिंदगी में पसंद नहीं आता, थू साला, मेरे जन्म पर ऐसे बोलने के अलावा आज ही यहीं पर इसी पल में तुझसे ब्रेकअप करके मैं सिंगल ही जिंदगी बिताऊंगा। तू जा रे। ए, ए जरा रुकना। ये तूने सारे लड़कों को कुत्ते से कंपेयर किया ना, इसीलिए इस जमाने में पूरे कपड़े पहनकर घूमने वाली लड़की नहीं मिलती है, तो दिल भरकर प्यार करने वाली लड़कियां कहां मिलेंगी। ऑल बॉयज, तुम सब लोगों को एक बात बताता हूं, सुन लो, पागल लड़कियों को नजदीक मत आने देना। जो लड़के दिल से मानते हैं ना, ये उसे सुला देती हैं। बाइसेप्स बनाए हुए लड़के ना पूरी दुनिया में मिल जाएंगे तुझे। तू और डालू क्या? मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए अच्छा होता है, नाइट में 19 दिन के लिए अच्छा होता है, तू डाल बे। और कुछ चाहिए क्या, ऐसा पूछा? एक पैकेट अचार और एक भुर्जी होती ना, मजा आ जाता। अरे मार्शी, पीना गलत है यार। नहीं यार। हे, ये डॉक्टर ही पीने के लिए कहते हैं और तू कह रहा है कि पीना ही गलत है। कौन से डॉक्टर ने तुझे पीने के लिए कहा है बे? डॉक्टर विजय माल्या। वो भी डॉक्टर है क्या? वो सब तो ठीक है, तू क्या बे लड़कियों वाली दारू पी रहा है? चल इस बोतल को खत्म कर। नहीं यार, मैं इसे नहीं पीने वाला हूँ। गोल्डन मिनट मतलब ड्रिंकिंग मिनट, चल पी लेना। अबे ये नक्षत्र, थू है तेरी जिंदगी पर। दारू पीने के लिए बोला तो बच्चों के पोलियो ड्रॉप्स की तरह पी रहा है, ऐसा लगता है कि तू मांड्या का नाम खराब कर देगा। ऐसी बात है क्या? रुको अभी दिखाता हूँ। अरे यार, इस बात में अगर तुझे कंपेयर करूँ ना तो ये लड़कियां ही अच्छी हैं। स्टॉप स्टॉप, इन लड़कियों के बारे में अगर तू ऐसी बात करेगा ना तो यहीं पर सर कट जाएंगे। अबे यार, लड़कियों के बारे में बात किया तो ऐसा क्यों बोल रहा है? उन्होंने क्या किया है तेरे साथ? उन्होंने एक किया हो या दो किया हो, ये लड़कियां लड़कों को वैसे चेंज कर देती हैं जैसे हर साल घर चेंज कर रही हो। लेकिन लड़कों को देखो, लड़की के हाथ को खुद का घर समझकर आजू बाजू में कंपाउंड बनाने की कोशिश करते रहते हैं। बेचारे लड़कों को पता ही नहीं है, इन लड़कियों को हमेशा भाड़े का घर ही पसंद आता है। ये धरती बारिश का पानी पी रहा है कि पता नहीं, लेकिन हम मर्दों के इन आंसुओं को वो पी पी के खत्म कर दे रही है। मैं जो बोल रहा हूँ इस बात को ध्यान से सुनो सारी लड़कियों, एक घर में अगर आईना टूटता है तो 7 साल का श्राप बोलते हैं, वहीं अगर एक लड़के का दिल टूटा ना तो 7 जन्म का श्राप मिलेगा तुझे। अरे यार, सिर्फ एक बियर पिया और नॉनस्टॉप डायलॉग मार रहा है। फ्लो फ्लो में यार 2-4 डायलॉग निकल गया। अरे मार्जी, लाइफ में मैं तेरे साथ कभी भी पार्टी नहीं करने वाला हूँ यार। अच्छा चल नहीं करते फिर। यहाँ आराम से सो रहा है, सबको उठा कर ले चलो, चल रहा है। चुपचाप थाने चल। सर हमें कुछ नहीं पता सर। अबे चल पहले। सर हमें सच में कुछ नहीं पता। सर छोड़ दीजिए, सर हमें छोड़ दीजिए ना हमें। सर सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। सर सर मैं अपने डैडी का इकलौता बेटा हूँ सर, सच क्या है मैं बता देता हूँ सर, प्लीज सर 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 सच क्या है मैं पूरी बात बताता हूँ सर। hey, सर ये सच बताने को तैयार हो गया, अब ये जो भी बताएगा सुनते हैं सर। ये कौन सा स्टाइल है बे? हाँ अपने बाप का इकलौता बेटा है क्या? ये सब स्टाइल करके तुम लोग कॉलेज में पढ़ने जाते हो, फालतू का शौक पूरा करने जाते हो? हाँ बोल क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन मैं और मेरे फ्रेंड्स कॉलेज खत्म करने के बाद एक बार में पार्टी कर रहे थे सर।
क्या लेकर आऊं भैया? एक डीएसपी ब्लैक और अचार लेकर आना। ढक्कन कौन है बे? वो हमारे एरिया में चोटी पूरा स्टाइलिश है, दिखाता हूं मैं अभी उसको उसका स्टाइल। महर्षि, इसका नाम मोहम्मद है। हाँ, इसका बहुत बड़ा नाम है। हाँ, ये सही नहीं है महर्षि। नहीं, चल चलते हैं। चलो। बस इतना ही हुआ था सर। उसके बाद वो कैसे मरा मुझे सच में नहीं पता है सर। प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर, हमें छोड़ दीजिए सर। सर इस केस के बारे में एक वीडियो मिला है, देखेंगे? hey! वो एक नंबर का हराम खोर है साला, मुझे चाकू मार कर गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो बैंडेज लगा लेता हूँ। सर मैं आपसे शाम को 5 बजे के बाद मिलूंगा। ये बेल्ला कौन है? अगर मेरा परफॉर्मेंस पसंद आया तो 5757 पे SMS करना। शिकार करता हूँ मैं शिकार, हर हर शंकरा। शिकार करता हूँ मैं शिकार, रहता नशे में निरंतरा। ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದೇ? ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಸಿಗರೇಟ್ನಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಹೃದಯದ ರೋಗ ಅಥವಾ ಎಂಫಿಸೀಮಾ ಆಗಿಸಬಹುದೇ? ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬೀಡಿ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ಧೂಮ್ರಪಾನ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ 1800112123 ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ 01122901701 ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಬದುಕು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ, 2 ಮುತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ತಂಬಾಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಹರಡ್ತಿರೋ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಂಬಾಕು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಖೇನಿ, ಗುಟ್ಕಾ, ತಂಬಾಕು, ಜರ್ದಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸರ್ ಮೇ ಆಪ್ಸೆ ಶಾಮ್ ಕೋ 5 ಬಜೆಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮಿಲೂಂಗಾ. ये बेल्ला कौन है? सर इससे बेल्ला एलियास भागीरथ, कैट आइज, कॉलेज किंग, ये सब नाम थे सर. सर ये भी कॉलेज स्टूडेंट है. मंडिया में इसकी बहुत चलती है सर. इतनी कम उम्र में इतना नाम कैसे किया इसने? इस फील्ड में उसके आने का कारण क्या है? सर इसका ब्रांडेड एटीट्यूड है. एक दिन जब कॉलेज में क्लास चल रहा था तब लेक्चरर के सामने ही ये बियर पी रहा था. इस बेल्ला का नाम रवि की लिस्ट में कैसे आ गया? सर मंडिया में एक श्रीकांत शिवा नाम का आदमी है, उसके पास लकड़ी काटने की मशीन है और उस गांव में उसका बहुत दबदबा भी है. ये श्रीकांत शिवा जो है इल्लीगली पेड़ों को काट कर बाहर के देशों में बेचता है सर, और इस तरह ये बड़ा आदमी बन गया. बेल्ला का घर और श्रीकांत का घर अगल बगल में है सर. ये शिवा का भरोसेमंद आदमी है. श्रीकांत जो इल्लीगली पेड़ काट रहा है उसे रोकने के लिए SP सिन्हा साहब रेडी हो जाते हैं सर. SP सिन्हा की वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा है. हमारे गांव, हमारे जमीन, हमारे जंगल में ही आकर हमारे पेड़ों को कह रहा है मत काटो. ये कैसे हो सकता है? दिखाता हूँ उसे कि आखिर मैं कौन हूँ.
ले, अगर ये कम लगा तो तुझे और मिल जाएगा, लेकिन हमारे श्रीकांत शिवा की तरफ देखना भी मत। चुपचाप चले जा बे बेला, तुझे क्या लगता है मैं पैसे में बिक जाऊंगा? वो एसपी सिन्हा यहाँ पर जब तक रहेगा ना, तब तक हमारे घर पर कभी भी खुशी नहीं रहेगी। अगर मैंने तुझसे पैसे लिए ना, तो एसपी सिन्हा का इमेज खराब हो जाएगा। लोगों को लगेगा बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। हमारे घर पे खाना खाने के लिए तकलीफ है तो वो साला गार्डन गार्डन में खेल खेल रहा है। तेरी कहानी आज खत्म करता हूँ शिवा। नहीं शिवा, 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 ए! सिन्हा साहब को उसने मार डाला और वहीं से बेल्ला की गुंडागर्दी शुरू हो गई। सर, बेल्ला के साथ जो रहता है उसका नाम क्या है? सर, वो गूगल है। बेल्ला के लिए वो अपनी जान भी गंवा सकता है। वो जो भी काम करता है, जो भी डील करता है, उसमें वो उसका अंगरक्षक होता है। सर, सर ये कॉलेज में पढ़ने वाली करवी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। सर, प्यार में ब्रेकअप होने के बाद वो किसी भी लड़की को पटाकर उसके साथ एंजॉय करके उसको छोड़ देता है। ये बेल्ला अभी कहाँ होगा, उसे देखना पड़ेगा। अरे रघु, देखो सामने से कोई कार आ रही है, उसे रोको। जी सर। सर, बेला का कार है सर। ठीक है, उसे जाने दो, उसके मैटर में क्यों पड़ते। ठीक है सर, जाने दो। सर वैसे आप किसी से डरते नहीं, पर बेला के नाम से क्यों डरते हैं सर? अरे ये बहुत बड़ी कहानी है, बिल्ला यही है, ये मुझे भी नहीं पता था। क्यों सर? एक दिन मैंने इसे रोका तो इसने मुझे भी धमकाया। किसकी गाड़ी पकड़ी आपको पता है क्या? तुम कोई भी हो, उससे मुझे क्या करना। गाड़ी का डॉक्यूमेंट लाकर मुझे दिखाओ बस। गाड़ी का नंबर प्लेट ऐसा क्यों है बताओ? ऊपर से हिंदी में है। चलो चलो, फाइन कटवाओ फाइन। अपना नंबर प्लेट हिंदी में नहीं तो क्या उर्दू में होगा क्या? और नंबर प्लेट के लिए फाइन मारेगा तो पैसों के लिए एक मिनट में माँ की साड़ी भी खुलवा कर तुम लोग बेच देते हो, और उस साड़ी को बगल वाली आंटी को पहनाते हो, और फिर उसके साथ मजा करने वाले कमीने हो तुम लोग। हिंदी में नंबर प्लेट रहेगा तो फाइन मारेगा क्या?
क्या हो गया हमारे सिस्टम को? हेलमेट नहीं होने पर 500 के बजाय 5000 फाइन मारते हो तुम लोग, 200 रुपए का 2000 करते हो तुम लोग। अगर टोल बंद करने के लिए कहा तो अगर वहीं कोई पीएम या सीएम आने वाला होगा तो रोड बंद करके तुम लोग जनता को अपना बिल्डअप दिखाने लगते हो। बेचारी जनता इधर से उधर, उधर से इधर गटर में गिरकर मरती रहती है, कोई पूछता तक नहीं है। अगर यही करते रहे ना तो एक दिन जनता चप्पल से मारेगी। अगर आप में हिम्मत है ना तो वीआईपी व्हीकल्स चेक करो, लेकिन उसे चेक करने की हिम्मत तो है नहीं तुम्हारे अंदर। फटती है तुम लोगों की। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदी से प्यार करता हूँ। अपना नंबर प्लेट हिंदी में लगाकर, मूछे ऐड कर, कॉलर उठाकर, छाती चौड़ा करके, जय 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 हिंदी, हिंदी में ही नंबर प्लेट लगा करके घूमूंगा मैं, समझे? तुम लोग को जो करना है कर लो। बिल्ला तूने ऐसा क्यों किया यार? 6 महीना जेल में रहने के बाद भी तुझे देश दुनिया के बारे में अभी तक अकल नहीं आई क्या बिल्ला? हर एक दुनिया में तकलीफ देना अनिवार्य है, मैं मानता हूं, लेकिन यहां पर एक को मारे बिना दूसरा जी नहीं सकता। इसलिए तू इतना आगे तक जाएगा क्या कर रहा है बिल्ला? तू आनंद में रहा कर बिल्ला। क्या रे शैला, ऑफिस के सामने खड़े होकर इतना बड़ा दाढ़ी रखता है, तेरे सर्विस स्टेशन की क्या कहानी है? मर्द हूँ बेला, तेरे जैसा नामर्द बन के थोड़ी रह सकता हूँ, समझा क्या? ओ, राम को भी दाढ़ी मूछ नहीं थी, कृष्ण को भी दाढ़ी मूछ नहीं थी, तो वो सब क्या था, उनका महत्व तो नहीं है क्या? जेल से आने के बाद पागल हो गया है क्या रे बेला? ये सब क्या बात कर रहा है, तुझे समझ में आ रहा है क्या? ये सब मेरी समझ में नहीं आया, चल बैठ कर बात करते हैं। तेरे जेल जाने के बाद मंडिया बहुत ही ठंडा हो गया है। अब यहाँ से शुरू होगा बेल्ला का एक खौफनाक खेल। मंडिया के हर एक कोने में बेल्ला के सामने सब सर झुकाएंगे। ये कौन सा कड़क माल डाला है रे बेला, गले में फंस रहा है। जिंदगी भी ऐसी है शैला, मैं भी बहुत खतरनाक हूँ। ऐसे क्या देख रहा है बे कमीने, फिर से मेरा जमाना शुरू हो गया, कल से सारे न्यूज़पेपर पे मैं रहूंगा। श्री शैला के मरने के बाद भी तुम उसे इतना मार रहे थे, उसने आखिर ऐसा क्या किया था बिल्ला? उसे मारने का इतना बड़ा कारण तो नहीं था? इस धरती पर खून सिर्फ दो ही वजहों से होते हैं। पहला, दुश्मन को इसलिए मारा जाता है कि जिस सिंहासन पर वो बैठा है उसी सिंहासन पर अब हमें बैठना होगा, और दूसरा, वो हमारे रास्ते में ना आए इसलिए उसका खून करना होता है। अबे किसको हटाने की बात कर रहा है? कोरिया करियप्पा को, उसे अगर मार दिया तो सारा रास्ता हमारा होगा, फिर हम जो चाहेंगे आराम से कर सकते हैं। देख बिल्ला, कांटा हमेशा एक तरफ नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। होने दे, ये पूरी दुनिया एक तरह से बिजनेस है। मेरा नाम अक्षय कुलकर्णी है, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूं। तुम लोग जो बात कर रहे थे मैंने सुना, तुम लोगों से मुझे एक मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए? तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। रुद्रा नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा है, तुम लोगों को मेरे लिए उसका मर्डर करना होगा।
हम सुपारी किलर्स नहीं है। नहीं हो सकता, जाओ यहां से। देखो इसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं देख लूंगा। नहीं हो सकता, कहा ना। कहां मिलेगा वो? आने वाले 10 तारीख को बीजापुर के सेंट्रल जेल से वो छूटकर बाहर आएगा, उसी दिन उसको खत्म करना होगा। पैसे के मामले में हिसाब उसी दिन चुकता हो जाना चाहिए। इस बारे में तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात का ख्याल मैं रखूंगा। काम होने के बाद मिलेंगे। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, बाद में मिलते हैं। तूने क्यों आ कर दिया बेला? ये खून करके दिखाऊंगा कि बेला कितना खतरनाक हो सकता है, पूरी दुनिया देखेगी। बेबी चल लव करते हैं। बेला तू जो कह रहा है ना, अगर वो बच्चों ने सुन लिया तो? इसलिए जब भी तुम्हारा लव करने का मन करे ना, तुम चुपके से मेरे पास आ जाना और पूछना मैं तेरी वॉशिंग मशीन यूज कर सकता हूँ क्या। वो ठीक है। बेला चाहिए थे तो मेरी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं रहने दो डार्लिंग, मैंने अपने कपड़े अपने हाथों से ही धो लिए हैं आज। बोल बे। बिल्ला अपने क्लासमेट हरीश को किसी ने बहुत मारा यार। अभी कहाँ है वो? तृप्ति नर्सिंग होम में। आता हूँ रुक। हरीश कौन से वार्ड में? फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर। ए, आराम से, संभल कर, संभल कर, संभल कर। क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? हाँ बेला, मैंने तेरे से एक बात छुपाई है। हमारे कॉलेज के आना, मैं ना मैं उससे प्यार करता था। अरे ऐसा मत करो, मुझे तुम छोड़ दो ना। तुम्हें छोड़ ही तो रहा हूं। चुप रहो यार, उसके भैया को ये बात पता चल गई। कमीनोस का भाई? अबे तुझे कोई और लड़की नहीं मिली क्या? मटन कलेल नाम है यार उसका, उसका भाई। उस एरिया का बहुत बड़ा डॉन है भाई, उसे देखते ही लोग कांपने लगते हैं वहां पर। आदमियों के साथ आकर उसने मुझे बहुत मारा भाई। हाथ छोड़ो भैया, हाथ छोड़ो भैया, उसको मत मारना भैया। Oh!
ही मेरा ये हाल किया भाई। मुझे भी यही चाहिए था। तुझे शादी करना है ना, सब कुछ रेडी करके मंदिर में आ जा। लड़की को लाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं, उसके पास बहुत सारे लड़के हैं। वो चाहे जैसा भी हो, लड़की को मैं लेकर के आऊंगा, वादा करता हूं तुझसे। कर्ली हेयर स्टाइल छोड़कर, सिंगल पीस कपड़े पहनकर, बॉडी को डेफिनेशन देकर हमारे कॉलेज की सभी लड़कियों को डोमिनेट कर रही हो तुम। भला ये वहाँ नहीं तो क्या है? इतना ही ना, मुझे कुछ और ही लगा। मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मेरा भी ऐसा ही है, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। सॉरी रियली, वेट अ मिनट, आपका नंबर क्या है? ये सब मेंटल सिम्टम्स हैं। जाओ जाकर किसी हॉस्पिटल में दिखाओ। फिर भी नंबर तो बता दीजिए। लगता है तो मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे पास पेन पेपर है क्या? लिख लो। AB/AG +2MP +4WD +4WD +9MC +9MC =ABC =ABC। अरे नंबर मांगा था, ये क्या घड़ी सिखा कर जा रही हो? उसमें मेरा नंबर है, फॉर्मूला सॉल्व करो और नंबर निकाल लो। हे, बाल अच्छे लगे, नंबर पूछा तो मेहनत से सिखाने लगी मुझे। हे गूगल, लड़कियों के पीछे पढ़ने का नहीं यार, दिमाग खराब कर देती हैं। पहली बार लड़की से नंबर मांगा तो मुझे मैथ से सिखाने लगी, यार कमाल है। ABC? हाँ यार, तू कुछ जानता है तो हेल्प करना प्लीज। ABC सिंपल है यार, पेन और पेपर दे मुझे। वो फॉर्मूला क्या है? वो है AB/AG +2MP +WD +9MC =ABC है यार। सिंपल है यार, यहाँ पर देख। अ बाय अपन अ गर्ल, हाँ, +2 Minus Pleasure हाँ, +4 White Rust हाँ, +9 Month Course =ABC। ए ब्यूटीफुल चेक यार। बापे, नंबर कहाँ है भाई? रुक रुक, वो ढूंढते हैं। अरे यार मिल गया यार। अच्छा उत्तर ही तो। बोल बोल नंबर बोल। 9294 9294 9294 9294 9294 ये नंबर डाल कर। हेलो, मैं बेल्ला बोल रहा हूँ। हेलो वो, अरे यार ये मोबाइल का बैलेंस भी इसी समय खत्म होना था। अरे बिल्ला तू कुछ भी बोल, ये लड़कियां और मोबाइल में कोई अंतर नहीं है। साला बैलेंस खत्म हो जाता है तो दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ए, वही फोन कर लिए। उठा ले ना। हेलो, कौन? मैं बेला, वही ABC फॉर्मूला। बहुत अच्छी बात है तुमने मेरा नंबर ढूंढ लिया। तो क्या ऐसे थोड़े छोड़ूंगा। ओके ओके, ज्यादा बात करने के लिए बैलेंस नहीं है मेरे पास, कैफे में आ जाओ और बात करते हैं। ठीक है आता हूँ। हे गूगल, लड़की ने मुझे कैफे में बुलाया है, मिल के आता हूँ उससे। अबे साले जा जा, ये लव बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल सोने की तरह। सोने बेचने वाले को ना गारंटी ना वारंटी की टेंशन है, ये लव होता ही ऐसा है। हाय। हाय, कल भी तो मिल सकते थे, हाँ? इतना अर्जेंट क्या था?
क्या यार तुम, लड़कियों ने अगर आंख मारी तो 100 लोग आ जाते हैं, और मैंने तुमको कॉल किया और तुम भाव खा रहे हो। एनीवेज, मैं तो तुमको कुछ और समझ रही थी, पर कोई बात नहीं, एबीसी अच्छी तरह से जान लिया है। अरे बस चुप हो जाओ, तुम क्या कम हो, सारे लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं और तुम मसाज पार्लर जाती है। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं है यार। तुम्हारे पास कैल्सी है क्या? कैल्सी वैल्सी नहीं है, मोबाइल है, ये ले लो। इधर लो। मैं तुम्हें एक कॉस्टली गिफ्ट दूं क्या? कॉस्टली गिफ्ट? हाँ, 21 साल का लड़का 19 साल की लड़की को 12:20 पर 71 रुपीज गिफ्ट देता है। इसका मतलब आई लव यू। गुड लक प्रपोज के लिए। थैंक यू। मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूं क्या? पूछो। मैं अमीर हूं या विराट कोहली अमीर है? विराट कोहली ही अमीर है। मैं अमीर हूं। वो कैसे? क्योंकि विराट कोहली तुमसे नहीं मिल सकता। क्या यार, तुम्हारी तरह मैं अच्छी बात नहीं कर सकती। मैं तो ऐसी बातें करता हूं इसकी वजह तुम्हारे ये कर्ली हेयर्स हैं। इंस्पिरेशन, सॉरी। लव सक्सेस होने के बाद भी तुम साइलेंट मोड पे क्यों हो? 71 रुपीज का गिफ्ट देकर लव सक्सेस हो गया, क्या ये बड़ी बात नहीं है? 700 रुपए लेकर फ्रेंड्स को पार्टी देने को बोला था, अब यही एक प्रॉब्लम है। ज्यादा मत पीना। तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड मिली, मैंने बहुत पुण्य किया था। बाकी सब कुछ अनलिमिटेड। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, पूछूं क्या? अरे अब इसके लिए तो मेरी राय पूछोगी, पूछो। ओके, तुम बहुत बड़े बनते जा रहे हो, बहुत बड़े बनने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? हे करली, एक बात बोलता हूँ तुमसे, यहाँ नहीं यहाँ रखना। एक किस देने वाले को मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। तुमने तो मुझे अब तक हजारों किस दिए हैं, कैसे भूलूंगा तुम्हें मैं। हे कूल, आ जाओ ऊपर बैठ जाओ। ठीक है, ऐसी खुशी में आज तक मुझे जो नहीं मिला वो दे दो। ओहो, ऑफर। बट वन कंडीशन। क्या है? तुम्हारी मुझ मुझे चुभनी नहीं चाहिए। बिना चुभे फील कैसे आएगा? कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो यहाँ? लवर्स हैं हम सर, लव कर रहे हैं। कहीं पर भी ऐसे ही खुले हम किस करने के लिए चले आते हो? आपकी बीवी या बेटी तो नहीं है ना सर? ये मेरी लवर है, मैं कुछ भी करूं आपसे मतलब। आराम खोर, मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चल बताता हूं तुझे। छोड़िए सर प्लीज, हमने कोई गलती नहीं की है सर, वापस हम यहाँ नहीं आएंगे सर। तुम चुप हो जाओ, ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, तुम चुप रहो। मेरी गर्लफ्रेंड की आंखों से आंसू गिरे, ये बात तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी। लोग खुले में पेशाब कर सकते हैं, लोग खुले में थूक सकते हैं, लोग खुले में किसी महिला के साथ अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक में एक लड़का लड़की को किस कर लेता तो आप लोग को टेंशन हो जाती है, क्योंकि ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है। अरे प्यार करना किस संस्कृति में खिलाफ होता है, इसमें क्या गलत है आखिर? ऐसा बोलने वाला मुझे मिल गया ना तो यही चप्पल चप्पल मारूंगा उसे मैं। तो आपके हिसाब से प्यार मोहब्बत करना गलत होता है ना सर?
तो आप ही बताइए कि प्यार मोहब्बत करने के लिए क्या करना चाहिए सर? प्यार करो, ऐसे किस मत करो। सर, किस करना प्यार की निशानी होती है सर, आप घर जाकर कीजिए, इससे आपका भी प्यार बढ़ेगा सर। थू! जाओ, जो करना है करो। तरीका, दुनिया कितनी खिलाफ है प्यार के। होने दो ना, लेकिन मैं तो नहीं हूं ना। ओ मेरे प्यारे दर्शकों, प्यार मतलब ममता होता है क्या, फूल होता है क्या, डर होता है क्या, फैशन होता है क्या, डिजाइन क्या, दो दिलों की तड़प, हाथ पकड़कर चलने वाला इच्छा, दिल के दरवाजे की बातों का जरिया, दोस्ती का परिचय पाने वाला प्यार, हर एक क्षण क्षण पर चलने वाला प्यार, दिल की भावनाओं को खिलाने वाला प्यार, दर्द का सतावन, दूर दूर तक कल्पना न कर सके ऐसी कल्पना, जिंदगी के साथ वाला युद्ध, आंखों का ठंडापन, शरीर की तड़प रखने वाला पागलपन, लोगों से छुप कर खेलने वाला खेल, या फिर उम्र का खेल, या फिर हमारे उम्र दिखाने की इच्छा, जो नहीं दिखती वो माया, बाकी जो लोग कर रहे हैं वैसा करने का अनुभव, जिंदगी की खुशियों को पूरा करना, दुनिया से लड़कर खड़े होने की कीमत, जो अकेलापन नहीं मिटा पाते उसे मिटाने वाला एक जरिया, मम्मी डैडी को देने वाला एक गिफ्ट, या फिर मोम की तरह ममता और मोह निरंतर, जिंदगी के हर क्षण निरीक्ष करने वाला आंगन, तेरी बातों पर ध्यान देने वाला, तेरे साथ बिताया हुआ हर एक क्षण ही जिंदगी है क्या, यही जीवन का सार्थक है? अब आप लोग ही बताइए, क्या यही सच्चा प्यार है, यही प्यार की परिभाषा है, क्या यही प्यार है? मेरे प्यार की देवता, प्यार की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। मेरे सपने में तुम्हारी हंसी ही खिलखिलाती रहती है। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे प्यार का मीठापन ही दिखता है। मेरी जिंदगी की तुम जान हो, मेरी लाइफ पार्टनर, हंसमुख चेहरे वाली डॉली, बच्चों की तरह बात करने वाली निर्मल, प्रेमी की तरह शीतल हो तुम। भावनाओं की बारिश में खोई हुई है तू, दिल में खिली हुई फूल की तरह प्यार है तू, दिल के इस छुपम छुपाई के खेल में फंसी हुई है तू, आंखों में दिखने वाली एक सुंदर चित्र है तू, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे दिल से ही खिला है, नई नई बातें सीख गया है सुन करके, मेरे दिल को गोद में लेकर सोने वाली प्यारी दोस्त को मैं क्या दूं, मुझे उसका प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार, यही सब कुछ है, मैं तुम्हारे प्यार का गुलाम हूं, तो जब तक साथ है तब तक मैं तुम्हारा निजाम हूँ। संप्रदाय के बंधनों में जीना नहीं होता प्यार, जीने वाले हर एक इंसान को मौत आती है, प्यार में मुश्किलें आना तो आम बात है, स्नेह और प्यार में भरोसा रखकर जीना है क्या, मेरी जो इच्छा है वो यही है कि तुम्हारे साथ जीऊं, तुम्हारे साथ मरूं, हर एक बात का तू रखना एक अर्थ, हर एक मौन समय तेरे बिना है व्यर्थ, तुम्हारे से ही होगा मेरा जीवन नित्य, फाइनली प्यार का मतलब है क्यूरियोसिटी, कमिटमेंट, एनलाइटमेंट और एक दूसरे के लिए अपनी जान दे देना। हे कार्ली, यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो, लेट हो रहा है, चलो घर चलते हैं ना। ये तुम कैसे कर सकते हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि कल की हम दोनों की सेल्फी कहीं भी अपलोड मत करना। कहाँ मैं और कहाँ तुम? जानबूझकर तुमने मेरा ईगो हर्ट किया ना।
तू एक लड़की है ना, लेकिन अभी तक तू अपनी औकात नहीं जानती। अगर बोल तो मैं डिटेल में बताऊं तुझे। सब कुछ तुमने ही किया है। हाथ दिखाकर बात की तो खत्म कर दूंगा तुझे। वैसे तू अपने आप को समझती क्या है? भूलोक की रंभा या फिर स्वर्ग लोक की अप्सरा समझती है जो ऊपर से नीचे आई है? अरे तू एक ऑर्डिनरी इंसान है सिर्फ। एटीट्यूड तुझसे ज्यादा है मुझ में, लेकिन जहाँ दिखाना होता है वहीं दिखाता हूँ। इस बात का सेंस है मुझे, लेकिन तुझ में नहीं है। तू अपने ईगो में अपना गुस्सा दिखा रही है ना, और मैं प्रेम में अपने प्रेम की भाषा समझा रहा हूँ तुझे, लेकिन तुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर तू किस देने को ही अगर प्यार समझती है तो रोड का हर आदमी तेरे घर के सामने खड़ा होगा, सबको किस देकर के भेजेगी क्या? बोल ना। अरे बोल, तू भी मुझे पसंद करती है, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। मेरा दिल जैसा कह रहा था वैसा तो बिल्कुल ठीक कर रही थी, लेकिन आज इन सब के बीच में तुम्हारा ये एटीट्यूड आ गया। हाँ करेक्ट, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही ठीक हूँ। ईगो और एटीट्यूड मुझे दिखाने की कोशिश मत कर। अरे तो इस लायक ही नहीं है कि कोई तुझसे प्यार करे। अरे प्यार तो एक सुंदर और कोमल भावना होती है, दिल में पैदा होती है, दिल के अंदर ही फील होता है, और वही फीलिंग दोनों की आंखों में होनी चाहिए, समझी? वही होता है प्यार। तुम्हारे साथ जो हुआ अगर उस बात को मैं सीरियसली ले लूँ ना, तो मैच खेलने से पहले जैसे कंधे पर बल्ला रखकर कोई खिलाड़ी ग्राउंड में इंतजार करता है ना, वैसा ही हो जाऊंगा। मतलब बैटिंग भी मुझे करनी होगी, बॉलिंग भी मुझे करनी होगी, मुझे ही फील्डिंग करनी होगी, मुझे ही कैच भी पकड़ना होगा, खुद को आउट करके खुद फिंगर उठा करके पवेलियन में चला जाऊंगा। अरे प्यार जो होता है ना, वो दोनों तरफ से खेला जाने वाला खेल होता है। इसे खेलने के बाद मैरिज के फाइनल में पहुंचकर कप जीता जा सकता है, लेकिन तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा। ओ, पता चल गया, थैंक गॉड। तू हाँ बोली थी इसीलिए तेरे पास आया था, वरना मुझे तेरी जरूरत नहीं थी। याद रखना इस बात को, आज मुझे जितनी तकलीफ हो रही है ना, मैं जानता हूँ कि तेरे दूर जाने के बाद मैं उतना ही खुश रहने वाला हूँ। गेट लॉस्ट, तुम्हारे साथ ब्रेकअप करके मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। कर ले, प्यार से आएगी तो आई विल टेक केयर, ज्यादा नाटक करेगी तो आई डोंट केयर। ऐसा वैसा नहीं, MBA का स्टूडेंट हूँ, हमारे भी रूल्स होते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या सर, टीवी और पेपर में आपने स्टेटमेंट दिया है कि मैं आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा हूं। अगर तुम हमारे काम में कोऑपरेट करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। सॉरी सर, आप मुझे अरेस्ट करने के बजाय नेमू कोहली को अरेस्ट करते तो ज्यादा अच्छा होता, वो आपको कोऑपरेट भी करता सर। ए छोटे, अभी तक तेरी पूछे नहीं आई है और गुंडागर्दी करता है कॉलेज में, तेरी तो क्या भाई, बहुत नाटक करने लगा है तो। मम्मी मम्मी अबाउट सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सर 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 बोल जल्दी।
बोल जल्दी बोल, मुंह खोल, कपड़े उतार, चल उठ जा, उठ, कुछ नहीं किया सर, चल मुंह खोल, जल्दी बोल, चल अपने कपड़े उतार, कपड़े उतार, चल चुपचाप कपड़े उतार, चल उतारना, उतार, चल जल्दी कर, उतारता क्यों नहीं, जल्दी कर, जल्दी कर बोला ना, चल जल्दी कर, जल्दी चल, पैंट उतार, पैंट उतार, पैंट उतार, जल्दी जल्दी कर, उतार, चल चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी उतार, चल चल उतार, चल उतार, उतार रहा, उतार रहा, चल अब नीचे बैठ जा, क्यों रे बैक्टीरिया सर, मुझे नहीं पता सर, किसने खून किया था, मुझे नहीं पता सर, बोल जल्दी, मैं कुछ नहीं जानता बोल, सर, सच बोल, सर, मैं कुछ नहीं जानता, चल बोल जल्दी, नहीं सर मैं नहीं जानता, तेरे पास इज्जत और मर्यादा भी है, चल उठ जा, एक से खड़े हो जा, चल जवाब दे, चल उठ जा सर, कपड़े दे इसको, तो जब तक सच नहीं बोलेगा तब तक ये सब चलता रहेगा बेला, सर मैंने कोई खून नहीं किया सर, मैं भी चाहता हूँ कि ये बात सच हो, लेकिन कोई ऐसी बात है जिससे मैं सच नहीं मान पा रहा हूँ, उसके खून होने से एक दिन पहले का एक वीडियो हमें मिला है जिसमें तुमने उसे मारा था, हर एंगल से इंक्वायरी करने के बाद ऐसा लग रहा है कि खूनी तू ही है, देख अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, सच मान ले कि खून तूने किया है, नहीं तो जिंदगी भर सड़ता रहेगा, सिर्फ एक वीडियो की वजह से मैं खूनी नहीं बन सकता सर, और बिना एविडेंस के आप मुझे कस्टडी में भी नहीं रख सकते, किसने कहा कि तू इस समय पुलिस कस्टडी में है, तू मुझे कानून का सबक मत सिखा बेला, इस छोटी सी उम्र में इतना नाम कमाने के लिए तुम ये सब क्यों करते हो, तुम सब स्टूडेंट्स हो, चुपचाप पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स पाओ, बड़े होकर के नौकरी करो बस, टाइगर के सामने दूध रखा तो वो नहीं पिएगा सर, वो पिएगा तो खून ही सर, आज के टाइम में नाम में ही पावर है, वो तो कमाना ही पड़ेगा सर, तेरी कहानी खत्म हो गई समझो, ये बता कोरे करियप्पा का खून तूने क्यों किया, पैसों का क्या हुआ, 10 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा, ठीक है, साला ओवर एक्टिंग करता था, चला गया, कौन है तू
अरे तू कौन है? तूने मुझ पर हमला क्यों किया रे? हासन का बहुत बड़ा राउडी है ना तू? आज से मैं ही नंबर वन हूं रे, समझो? सर, मैं कसम खाकर कहता हूं अब किसी के पीछे नहीं जाऊंगा सर, प्लीज सर छोड़ दीजिए सर। एमएलए के बेटे का खून तूने क्यों किया सर? उस दिन क्या हुआ बे? भाई वो देखो, वही गूगल है। कौन है वो? बेला का राइट हैंड। बेला को ये पता नहीं होगा कि मोहम्मद कौन है? पता नहीं भाई। बेला को ये बताना होगा कि ये मोहम्मद आखिर है कौन? कैसे भाई? देख मैं उसे कैसे बताता हूँ। मुझे मारने की बात अगर बिल्ला को पता चल गई, तेरे घर वाले को तेरे संस्कार के लिए अस्थि भी नसीब नहीं होगी। मेरा नाम मोहम्मद है, आधा शहर मेरे हाथ में है और मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ। मेरे लड़के हमेशा मेरे ही साथ में रहते हैं। जा जाकर अपने बिल्ला को बोल कि आकर वो मेरा सामना करे, जा। ऐसा बोला उसने? कमीना है, चल। रुक रुक, चल बे साले, चल। ये वेल्ला कौन है तू जानना चाहता है ना? देख वहां देख। मैंने वेल्ला को जानना चाहता था ना तू? ये देख, आंखें खोल के ध्यान से देख, देखना, देख, देख, देखना, देखना, देख, मोबाइल ले, वीडियो बना। यही हुआ था सर। सर छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर छोड़ दीजिए सर। सर एमएलए के बेटे के मर्डर केस का एक और वीडियो मिला है सर। कोई कितना कुछ भी कर ले, लेकिन मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। उसे अरेस्ट करके लिया। सर एमएलए के बेटे का मर्डर हुआ था ना, उसके कातिल को हमने अरेस्ट कर लिया है। थाने पर ले आए हो क्या? हाँ सर, लेकर आया हूँ। ठीक है, बुलाओ उसे। रामन्ना, सुबह जिसे अरेस्ट किया है उसे लेकर आओ। सर यही है वो। यही है क्या? सच बता, खून तूने ही किया? हाँ सर, मैंने ही किया। ऐसा क्या हो गया कि खून कर दिया तूने? सर वो उस दिन मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, मैं हग कर लूं? हग? किसी ने देख लिया तो? अरे यहाँ कौन आएगा?
कौन है तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? लवर्स हो या शादी हो गई है? नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मोहम्मद भाई, यहाँ पर आ जाओ। कोई तो है जो एक कड़क माल उठाकर लाया है यहाँ पर और हमें नमकीन सामर का टेस्ट चखाने वाला है। ऐसी जगह पर कौन आता है? कहाँ रहता है तू? यही बाजू वाले घर में रहता हूँ। तेरा घर कहाँ है? चल दिखा मुझे। गलती हो गई, हम यहाँ फिर से नहीं आएंगे। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। अरे चल, मुझे कुछ मत करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो प्लीज, नहीं छोड़ूंगा उसे, छोड़ दो प्लीज, अबे जा, प्लीज उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो प्लीज, छोड़ने के लिए थोड़ी लाया हूँ, कर जा, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे ऐसे करने दो, जाने दे, हट जा, छोड़ो, अरे रख, और कर क्या मार दिए, छोड़ दो, उससे कुछ मत करो, हटो, मुझे जाने दो, हटो। ये सब होने के एक हफ्ते बाद ही पहनाओ इसे। ओके सर। रामन्ना।